असलम डियर स्टूडेंट आज हम देखने जा रहे हैं कि एडवेंचर स्टोरीज़ क्या होती हैं और इसमें हम टाइप ऑफ स्टोरीज में अभी रियल लाइफ स्टोरीज़ ही देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि हम एडवेंचर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो कि आपके रियल लाइफ एडवेंचर स्टोरीज के अंदर मौजूद होने चाहिए जिसकी वजह से बच्चे उन कहानियों को पसंद करें उनको ओन करें और उनको बार बार पढ़ें तो हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं तो सबसे पहला एलिमेंट है कि लाइकबल करेक्टर होने चाहिए जो कहानियाँ अपने बच्चों को दी हैं उसके अंदर जो हीरो है जो मेन करेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ बच्चे टाइम गुजारना चाहें या जिसके साथ बच्चे दोस्ती करना चाहें अपनी इमेजिनेशन में वो उसके साथ खेलें उससे बातें करें और वो उनका काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बन जाए इसके अलावा हमारे पास एडवेंचर करेक्टर्स के अंदर कहानियों के अंदर एक इंपॉर्टेंट करैक्टर होता है डार्क करेक्टर या विलन का करेक्टर तो विलन का करेक्टर भी जो है वो भी रियल होना चाहिए और कुछ ना कुछ सेम्पथैटिक होना चाहिए विलन डजन मीन और डार्क करेक्टर डजन मीन के वो बिल्कुल ही नेगेटिव करेक्टर हो बहुत ही नेगेटिव करेक्टर बुनियादी तौर पर रियल करेक्टर नहीं होते एन इनजस्टिस एडवेंचर कहानियों का एक बहुत अहम करेक्टर आता है कि उसके अंदर कोई इनजस्टिस दिखाया जाए और उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इनजस्टिस जिसकी वजह से कहानी के जो सीन है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है एडवेंचर का वो बड़ा सब्सटेंशियली कन्विंसिंग और इम्पॉर्टेंट बन सकता है अब यहाँ लिखा है द ग्रे, ग्रेट ग्रेट रॉन्ग ऑफ द कॉमन सॉट इसका मतलब यह है कि हिस्टोरिकली यूनिवर्सली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत समझी जाती हैं गलत मानी जाती हैं जो गलत हैं पर हर जमाने के लोग उसको काबू करने की कोशिश करते हैं उसके लिए लॉज बनाते हैं रूल्स बनाते हैं और गलत से लोगों को बचाते हैं सो तो हम इस किस्म के यूनिवर्सल इनजस्टस को देख सकते हैं आ, जो कि कॉमन हो जो कि समझे जा सकते हो जिसे कंडेम करना हर जमाने में इंपॉर्टेंट था और देखें कि उससे कैसे फ़ाइट किया जा सकता है तो इट कैन बी अ गुड गुड टॉपिक अ गुड गुड वे टू थिंक अबाउट कि आप एडवेंचर में से कैसे डालेंगे अगली चीज़ आती है ऑथेंटिसिटी चाहे वो इवेंट की हो चाहे वो फिज़िकल एलिमेंट्स की हो जो कहानी के अंदर मौजूद हैं चाहे एक्शन हों या रिएक्शन हो जिस तरीके से आप अपना डायलॉग बिल्डअप कर रहे हैं कन्वर्सेशन का वो चीज़ें हों उन तमाम चीज़ों का ऑथेंटिक होना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे उससे अपने आप को रिलेट कर सकें और कन्विंस हो सकें कि हाँ ये सच है उसको सच लगना चाहिए अच्छी स्टोरी जो एक रियल सिचुएशन के ऊपर बनी होती है कॉन्टेक्स्ट पे बनती है उसके एक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपको ज़िंदगी से करीब लगते हैं इसीलिए उनको समझने में उनसे रिलेट होने में मज़ा आता है कॉम्प्लेक्स uh, एंटागोनिस्ट आपकी कहानी का एक मेन कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं विलन या द डार्क पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी अब चाहे वो विलन का करेक्टर कोई इंसान कर रहा हो कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई सिचुएशन हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिकगनाइजेबल हो आ, वो दिखता हो वो उसको आप आ, कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ करके आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ जी ये करेक्टर्स मौजूद हैं और ये करेक्टर मेरी समझ में आ सकते हैं आ, उसका कॉम्प्लेक्स होना भी ज़रूरी है और उसका ऑथेंटिक होना भी ज़रूरी है आ, ईवल करेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं जानते कि दे आर ईवल और जो कुछ वो कर रहे होते हैं दे हैव आइडिया कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सो ईवल करैक्टर उभर के सामने नहीं आते कि यस वी आर ईवल तो ईवल करेक्टर जो हैं वो बहुत uh, उनके एक्शन से बहुत तरीके से निकाला जाता है कि ये जो करैक्टर्स हैं दे आर डिफरेंट करैक्टर तो so, ये भी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए और ये उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ईवल करेक्टर ऑथेंटिक तरीके से बयान किया है पाँचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब्रिस्क प्लॉट प्लॉट uh, में आपके पास क्या आता है आपके सीक्वेंस में कहानी को लेके चल रहे हैं सो so, जो सीक्वेंस है कहानी का uh, वो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से फॉलोअप होने चाहिए उसके अंदर एक्शन के आपके रीडर की इंगेजमेंट जो है वो एडवेंचर स्टोरीज़ के अंदर मौजूद रहे uh, इसके लिए अच्छा तरीकेकार ये है कि आप लंबे लंबे प्लॉट्स लिखने की जगह छोटे प्लॉट्स लिखें जिसके अंदर छोटे छोड़ छोटे कंक्लूजन मौजूद हों और उसके अंदर उसका क्लाइमेक्स भी मौजूद हो इसके अलावा अगर हम प्लॉट में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या बहुत लंबे प्लॉट लिखते हैं अमूमन रीडर उससे बोर हो जाता है और इट इज़ गुड कि जो आपका एक्शन चल रहा है कहानी के अंदर प्लॉट उसी के अंदर डिस्क्राइब होने लग जाए टेक्स्चर कहानी के अंदर इंसानों के अलावा और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका सेट डिज़ाइन है किस जमाने की है उसमें कैसे लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं कैसा मेकअप किया हुआ है किस तरीके से बात कर रहे हैं बैकग्राउंड क्या है हिस्ट्री क्या है किस जगह की सेटिंग है किस वक्त की ये कहानी है सो so, एडवेंचर के अंदर ये तमाम चीज़ें एक टेक्स्चर का काम देती हैं तो so, इनको कितने अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाता है स्टोरी में ये भी स्टोरी की क्वालिटी को इनहेंस करता है सो दीज आर द इम्पॉटेंट एलिमेंट्स जो कि अगर किसी फैंटसी uh, स्टोरी के अंदर मौजूद हो एडवेंचर के अंदर मौजूद हो तो उस कहानी को और बेहतरीन बना देते हैं